गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ यू ऑल? गुड आफ्टरनून। व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आल्सो फाइन बेटा। एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका। हमने एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी डिस्कस किए थे जिसमें आपने बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस की जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 की। उसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 डिस्कस किया था। नाउ फर्दर पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 है वहां से हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली वहां का क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसा है। यस सर। हम इस एक्सरसाइज के थ्रू डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी जो आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर एक्सरसाइज 2.2 की जब बात करेंगे तो उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। yes, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है ईच सेट ऑफ नंबर्स। इसका स्टेटमेंट क्या है? ईच सेट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो हैज अ पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइंड द पैटर्न। बेटा आप देख पा रहे हो जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं ईच ऑफ सेट ऑफ नंबर्स वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न को फॉलो करने का मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो 101 मल्टीप्लाइड बाई 21 सॉरी 101 मल्टीप्लाइड बाई 22 है नॉट 21। यस बेटा, वॉइस क्लियर हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। 101 मल्टीप्लाइड बाई 22 यहाँ पे राइट किया गया। देन अगेन 101 यहाँ पे 2 टाइम्स 2 को इंक्लूड किया गया था, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 राइट किया गया। बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है सेंटेंस है उसमें ट्रिपल टाइम 2 को राइट किया गया। ऐसे थर्ड सेंटेंस में क्या रेट किया? 4 टाइम्स 2 आ गया। इसमें फिर अगेन इंक्रीमेंट हुआ 1 का, यानी 5 टाइम्स 2 आ रहा है। ऐसे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए एक ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें yes, तो 101 मल्टीप्लाइड बाई 22। चलिए अगर आपको जनरल से सॉल्व नहीं आता तो ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, है ना? 2 1 2 2 0 0 2 1 2 सेम आज यहाँ भी वही आएगा, बट यहाँ से लीप करेंगे, इसका वंस प्लेस लीप करके टेंथ प्लेस पे राइट करेंगे, यानी यहाँ से हम क्रॉस कर दें या जीरो राइट कर देते हैं। 2 1 2 एंड 2 0 0 2 1 2 अगेन अब क्या करना? ऐड करना रहता हमें। ऐड करेंगे तो 2 + 0 मीन्स 2 ही होगा, 0 + 2 2 2 + 0 2 एंड 2। इस तरह से आप देख पा रहे हो 2 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स 2 आ गए भाई, 101 मल्टीप्लाइड बाई 22, है ना? क्या नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा आप इसको भी चेक करो। चलो 202 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो फिर क्या आता? 101 मल्टीप्लाइड बाई 202 22,222। चलिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, यहां भी वहीगा 2 देन 2 0 0 2 102 फिर वही चीज यहां से 2 0 2 फिर यहां से 2 0 2। ओके चलिए इसको कॉपी करेंगे 2 2 4 2 2 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही तो आएगा। बेटा यही तो आने वाला आंसर 22,000। यस सर। आप क्या करोगे? चलिए थर्ड नंबर भी कर ले रहे हैं, थर्ड नंबर भी वेरीफाई करें क्या करता। 101 मल्टीप्लाइड बाई 2,222 है ना? यस सर। 2 1 2 2
जीरो मीन्स वही आएगा 202। आप क्या करोगे, फिर वही यहां से क्रॉस 202, फिर वही डबल क्रॉस 202, फिर ट्रिपल क्रॉस। यहां से देखिए, इससे पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सेकंड टू से मल्टीप्लाई किया नहीं तो अदर टेंस प्लेस वाले टू से तो ये आ गया, अब थर्ड वाले यानी हंड्रेड प्लेस वाले टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब इसका करेंगे थाउजेंड प्लेस वाले टू से, यहाँ पे आएगा ट्रिपल क्रॉस और ये 202, इतना ही तो आएगा। यस सर। चलिए ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 4 2 2। एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है आपको, पैटर्न कैसा बनेगा मैं बताऊं, अब आप पक्का पक्का बता रहा हूं, अगर आप नेक्स्ट 101 का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा 101 मल्टीप्लाइड बाई 22,000 अगर मान लीजिए है, 22,222 है फाइव टाइम्स, तो आंसर आएगा इसमें 22 4 22, यही आंसर आएगा पक्का मल्टीप्लाई करने पर। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, पहले आपने देखा क्या, देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके सारे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस सॉल्व किए गए हैं, यहाँ पे पहले 4 times 2 आया, उसके बाद एक सिंगल फोर इनके बिटवीन ये 2 2 2 यहाँ पे लेफ्ट में और 2 2 राइट में इसके लेफ्ट हो जा रहा है, और ये बीच में आपका मिडिल में 4 लेफ्ट इंसर्ट हो गया, सेम एज अब यहाँ पे 4 इंसर्ट हुआ है और लेफ्ट में और राइट में 2 2 है इसके। ऐसे ही अगर हम 22,200 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 101 को तो आंसर आएगा 2 2 और 2 2 लेफ्ट और राइट में सेट होंगे, बाकी 4 4 इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट का इसी पैटर्न का यूज करते हुए आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता आपसे। बेटा बताइए आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, जो मैंने अनबोर्ड राइट किया है, जो आपका सेंटेंस है 2,22,222 मल्टीप्लाइड बाई 101 विदाउट सॉल्व, विदाउट सॉल्व बताना है बिना सॉल्व के। यस बेटा डिजिट वाइज बता दो, कोई दिक्कत नहीं, डिजिट वाइज बताओ आप पहले क्या क्या डिजिट आएगा। यस बेटा, मैं आपका आंसर राइट कर रहा हूँ, आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2 2 यस 4 4 यस 2 2 बेटा रॉन्ग हो गया आंसर, 4 4 आंसर आ गया था, जबकि यहाँ 4 times 4 हो जाएगा, कितने टाइम्स 4 times 4, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर करेक्ट आंसर आएगा 4 times 4 2 2, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 2 2, आप चेक करना वेरीफाई कर लेना, ठीक है बोले। तो इस तरह से एक पैटर्न फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, एक पैटर्न को आपने सेट कर लिया कि नहीं। यस सर, हो गया। अगर यहाँ से और भी डिजिट इंक्रीज करते हैं 101 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 2 2 2, तो आप इसकी भी वैल्यू बता सकते थे इसी के अकॉर्डिंग, है ना, सही है कि नहीं। तो इसका बी नंबर आप सॉल्व करोगे, इसका ए मैंने करके दिखाया, yes, sir. बी नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें आंसर फर्स्ट yes, यहाँ पे क्या क्या आंसर आया था,
सबसे पहले टू फोर टाइम्स टू आया था, उसके बाद क्या आया था डबल टू सिंगल फोर डबल टू, उसके बाद डबल टू डबल फोर डबल टू, उसके बाद क्या हो गया था डबल टू ट्रिपल टाइम्स फोर डबल टू, है ना? क्यों बेटा यही तो आंसर आया था? यस सर। अब इसका जो रिमेनिंग पॉइंट पॉइंट नंबर बी है आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर बी जो है आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फोर की। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, बेटा जो करें सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में सेंटेंस है आपका अनीता डोनेटेड रुपीज 78,000 टू अ स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन लास्ट ईयर बाय गिविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, कैलकुलेट द मनी सी डोनेटेड टू द स्कूल ईच मंथ। देखिए अनीता जो है वो क्या कहती है, डोनेटेड 78,000 रुपीज टू अ स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन लास्ट ईयर बाय गिविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। अनीता ने क्या किया बेटा, उसने पिछले साल ऐसे बच्चों को जो अयोग्य है थोड़ा शरीर से, अयोग्य होने का मतलब ये है सक्षम नहीं है, जैसे कुछ कुछ ना कुछ दिक्कत हो उनको उनके बॉडी से लेकर, हो सकता है किसी को दिखाई कम दे रहा हो, किसी को सुनाई कम दे रहा हो, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड के कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब बेटा जो किस चलने में असमर्थ हो, जो बोलने में असमर्थ हो, ठीक है, जिनको कुछ ना कुछ मतलब उनको फिजिकल और इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है। तो होते हैं ना आपके आसपास भी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हो सकता ना बोल पा रहे हो सकता सुनने में उनको दिक्कत हो सकता वो देख नहीं पाते हो सही से, है ना, हो सकता चल नहीं पाते हो, ये डिफरेंटली वर्ल्ड होते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसे लोगों के लिए जो अनीता है वो क्या करती है, 78,000 पिछले साल उसने दिया था इन बच्चों के लिए ताकि इन लोगों को और सुविधाएं मिल सके, ठीक है। लेकिन एक स्कूल को दिया था लेकिन उसने मंथली दिया था, टोटल अमाउंट देखा गया तो 78,000 आया था और जो उसने दिया था फिक्स अमाउंट दिया पर मंथ। तो आपको ये कैलकुलेट करना है द मनी सी डोनेटेड टू द स्कूल ईच मंथ, आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसने ईच मंथ में कितना कितना दिया था। अगर उसने टोटल 78,000 रुपीज डोनेट किया है ये जानने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे सर? डिवाइड। यस, बाय व्हिच नंबर सर? 12। यू नो दैट अ ईयर हैज 12 मंथ्स, आप जानते हो उसने 12 मंथ तक दिया, ये जो अमाउंट दिया गया है वो कितने मंथ्स में दिया गया है, 12 मंथ्स में, बिकॉज फुल ईयर तक दिया गया 12 मंथ, ठीक है। तो इट मींस 12 मंथ्स में इतना दिया गया, तो वन मंथ में कितना दिया, एवरी मंथ में कितना दिया गया होगा, इसी को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा 78,000 रुपीज ने डोनेट किया है, 36,500 अनीता या सुनीता, अनीता डोनेटेड अमाउंट बाय अनीता लास्ट ईयर टू स्कूल, उसने दिया कितना था, रुपीज 78,000
78,000. The donated amount by Anita last year to school is equal to ₹78,000. But आप जानते हो, if she gives a fixed amount of money every month. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है. Okay बेटा. यस बेटा, हम बात कर रहे थे कि द डोनेटेड अमाउंट बाय अनीता लास्ट ईयर टू स्कूल इज इक्वल टू ₹78,000 हो गया. अब इन्होंने कहा सर, इफ सी गिव्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ देन द मनी सी डोनेटेड टू द स्कूल ईच मंथ. इफ सी गिव्स अ फिक्स अमाउंट a fixed amount of money every month then बड़ा सेम एज वही काम करना. अगर वो उसने प्रत्येक मंथ में एक फिक्स अमाउंट पे किया है स्कूल को, तो वहां से हम कह सकते हैं then she donated to the school each month then the money she donated so the money she donated to the school each month इट्स इक्वल टू 78,000 टोटल उसने डोनेट किया था इन 12 मंथ्स. बेटा 12 मंथ्स में डोनेट किया था, तो एक एक मंथ में कितना डोनेट किया होगा ये जानने के लिए 78,000 को 12 से डिवाइड करेंगे. यही ना? यस सर. चलिए कर देते हैं डिवाइड. आपको डिवाइड तो आता है ना, डायरेक्ट ना करके हम yes, इसको असाइड कहीं कर लेते हैं 12 से डिवाइड. यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे 12 5 जा नहीं 6 टाइम जा सकते हैं. 12 6 जा 72. उसके बाद यहाँ से 8 - 2 = 6 हो जाएगा. 7 7 कैंसिल हो जाएगा. 0 कॉपी करेंगे 60 आ जाएगा. 5 टाइम जाएंगे 12 5 जा 60. भाई 00 है तो 00 आपका कॉपी हो जाएगा. 00 टाइम जाएंगे यानी 6500 आएगा. आंसर कितना आएगा? सो द मनी सी डोनेटेड 6500. So the money she donated to the school each month is equal to 6,500. यानी उसने total school को 6,500 per month pay किया था. ठीक है? यानी इतना दिया था school को. For differently abled. बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. Any doubt in this question? किसी को कोई दिक्कत? नो सर. ओके चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. इसमें पॉइंट नंबर बी के स्टेटमेंट की बात करें, इसमें दिया गया अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यूज टू पे द वेजेस ऑफ 20 लेबरर्स. इफ ईच लेबरर गेट्स ₹1,385 एंड ₹976 इज लेफ्ट, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट. मतलब इसमें ये बताया गया है कुछ पैसा था जो इतने कितने लेबर्स थे 20 लेबर्स में लेबरर में उसको डिवाइड
डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनके वेजेस, यानी वेजेस मीन्स उनका मेहनताना। 20 वेजेस, सॉरी 20 लेबरर्स के वेजेस को पे करने किया गया, और उसमें एक एक लेबर का, जो लेबरर का पे अमाउंट था वो कितना, 1385। एक एक लेबरर को जो पेड अमाउंट था वो कितना था, 1385। इसके बाद क्या किया गया, 976 तब भी लेफ्ट हो रहा, तो करें व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, यानी एग्जैक्टली इनिशियल अमाउंट क्या था, ये आपको बताना है। क्या करेंगे इसके लिए, व्हाट विल यू डू फॉर दिस? सर मल्टीप्लाई। यस बेटा, देन आफ्टर ऐड, क्योंकि इतना लेफ्ट भी तो है, इतना बचा हुआ तो ये भी ऐड कर देंगे टोटल मनी में। ये जो आपका 976 लेफ्ट हो रहा है इसको भी ऐड कर देंगे। यस सर। यहां पर ऐड करेंगे इफ ईच लेबरर, ईच लेबरर, इफ ईच लेबरर गेट्स रुपीज 1385। Then the wages of 20 laborers. Then paid amount to 20 laborers. पेड अमाउंट टू 20 लेबरर। बेटा 20 लेबरर को कितना पेड किया गया होगा, एक एक को इतना दिया गया है, तो 20 है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1385 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जनरल से सॉल्व है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 27,700। या 20 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी, क्या करना है इसके जीरो में एक लास्ट, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें उसके लास्ट में जीरो इंसर्ट कर दें, एक सिंगल जीरो, ठीक है। ये 20 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 2 0, 2 8 16 17 2 7, 2 3 6 1 4 7, 2 1 2, और यहाँ से एक सिंगल जीरो, और इसकी वजह से आंसर हो जाएगा इस तरह से 27,700 रुपीज आ जाएगा। दैट इज द पेड अमाउंट टू 20 लेबरर्स, यानी इन 20 लेबरर्स को पेड किया गया 27,700, ठीक है। इफ ईच लेबरर गेट रुपीज 1385। अब बता रहे हैं सर अभी लेफ्ट भी है, लेफ्ट अमाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, लेफ्ट अमाउंट गया, लेफ्ट अमाउंट रुपीज 976 इतना बचा हुआ था, तो ये इसको भी ऐड कर लेंगे। सो इन्होंने पूछा व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, सो द टोटल अमाउंट वाज, सो द टोटल अमाउंट वाज, बेटा टोटल अमाउंट वाज कितना था, यानी यहाँ पे ऐड करके दिखता देंगे, इतना इसको लेबरर्स को पेड किया गया और इतना लेफ्ट हुआ, यानी 27,700 प्लस इसी में करेंगे 976, ऐड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, 6 7 9 7 16 2 6 7 1 8 2, क्या आंसर आ रहा है, 28,676। बात क्लियर हो गई बेटा, सुन गए? हुआ
कह रहे हैं जितना लेफ्ट yes, था उसको हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये बचा हुआ था इनके पास. सो द टोटल अमाउंट वाज 27,700 प्लस 976, इट मींस 28,676. ओके यस सर. पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे. हमने पॉइंट नंबर बी अभी सॉल्व किया, हम पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे जिसमें कह रहे हैं रिया बॉट सी शूज वर्थ रुपीज 1569 एंड रियाज एल्डर सिस्टर बॉट अ लैपटॉप व्हिच इज 16 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द शूज. दे आर लेफ्ट विथ रुपीज 22,346. नाउ हाउ मच मनी डिड दे इनिशियली हैव. चलिए इसका मतलब बता देते हैं. रिया ने क्या खरीदा था भाई? रिया ने एक शूज खरीदा था जिसका कॉस्ट था 1569 रुपीज. इतने का उसने एक शूज परचेस किया. लेकिन जो रिया की बड़ी बहन है यानी एल्डर सिस्टर है उसकी, वो क्या करती है, एक लैपटॉप लेती है और जिसका कॉस्ट होता है 16 टाइम्स देन द कॉस्ट ऑफ अ शूज. यानी एक शूज की कॉस्ट का वो 16 टाइम्स है लैपटॉप का जो कॉस्ट है. और इनके पास, दोनों के पास अभी भी लेफ्ट अमाउंट कितना है, दे आर लेफ्ट विथ 22,346 नाउ. अभी भी इनके पास बचा हुआ इतना पैसा. तो बताएं हाउ मच मनी डिड दे इनिशियली हैव, यानी स्टार्टिंग में इनके पास था कितना, ये बताना. तो टोटल इनका जो एक्सपेंडिचर है और जो सेव अभी सेव मनी है उसको हम ऐड करके टोटल मनी इनका यानी बता सकते हैं ना इनके पास कितना था लेफ्ट मनी जो है उसको और एक्सपेंडिचर को दोनों का ऐड कर लीजिए. पहले आप राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ शूज दैट रिया बाय रिया बॉट बाय. बेटा रिया बाय करती उस कॉस्ट, मतलब जो सूज उसका कॉस्ट कितना है 1569 इतना कॉस्ट आया. कॉस्ट ऑफ सूज दैट रिया बाइज 1569. ओके यस सर. यस सर. बेटा जी इसमें कह रहे हैं रियाज एल्डर सिस्टर बॉट अ लैपटॉप व्हिच इज 16 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द शूज. नाउ कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप दैट रियाज एल्डर सिस्टर बाइज रियाज एल्डर सिस्टर्स बाय व्हिच कॉस्ट 16 times the cost of a shoes. बेटा इसमें क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप दैट रियाज एल्डर सिस्टर्स बाय व्हिच इज 16 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ शूज. यानी जो एक शूज का कॉस्ट का 16 टाइम्स है, उस लैपटॉप का हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को, टोटल वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो आंसर आएगा उसको ऐड करके, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके. 16 9 जा 144 टू 4, 16 6 जा कितना होता है भाई 16. भाई टेबल रन कर लेना आप लोग, बेटा आप लोग टेबल रन कर लेना तो बहुत इजीली आप बहुत तेजी से कर पाओगे. 16 9 जा 144 टू 4,
और कितना रिमेंस हुआ, 14 रिमेंस हुआ यहाँ पे. 16 सिक्सा कितना होता है 96, 96 एंड 14 कितना 110, 20 फोर्ड कैरी 11, 16 फाइव जा 80, 11 फोर्ड कैरी 91, 1 to 1 9 फोर्ड कैरी. अब क्या करेंगे, 16 वन जा 16 एंड 9 25, आंसर यहां से आएगा 25,104. इतना तो इन्होंने कॉस्ट, मतलब इतने कॉस्ट का लैपटॉप है, सॉरी कॉस्ट ऑफ लैपटॉप की बात करें तो 25,104, यानी जो रिया की बड़ी बहन ने लैपटॉप लिया था इतना पेड किया था उसके लिए. अब इनके पास दोनों के बाद दे आर लेफ्ट विथ रुपीज 22,346. नाउ दे आर लेफ्ट विथ रुपीज, they have left rupees, they have left rupees, यहां पर left rupees की बात करें तो 22,346 बेटा इतना बच उनके पास left था. they have left rupees 22,346. आप चलिए बात करेंगे क्या, how much money did they initially have, so the money they have initially अब देखो कितना उनके पास था, तो रिया ने 1569 का ये सूज परचेज किया था, उसकी बड़ी बहन ने 25,104 का एक लैपटॉप परचेज किया था, और उनके पास रिमेंस था यानी बचा हुआ पैसा था 22,346. ये टोटल ऐड कर लो, ये टोटल ऐड कर लो, ये पता चल जाएगा कितना उनके पास बचा हुआ. ठीक है yes, तो ये बताइए बेटा जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है आप लोगों को समझ में आता है? यस सर, यस सर. सो द मनी दे हैव इनिशियली 1569 प्लस 25,104 प्लस 22,346 ऐड करके चेक कर लेना, जो आंसर आएगा वो राइट वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ठीक है? यस सर. क्या आंसर वैसे मतलब एग्जैक्टली क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? सर 49,019. इतना उनके पास स्टार्टिंग में था 49,019, इतना मनी उनके पास था स्टार्टिंग में. ठीक है? yes, sir. बेटा इसलिए जो रिमेनिंग पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, बिकॉज अभी टाइम ओवर आ रहा है, सो ओवर हो रहा है. ठीक है? सो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जाएगी. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, इसको आप लोग रिवाइज करना, ये पॉइंट सारे आप फिर से चेक करना. ठीक है? खुद से ट्राई करना, नहीं होते तो वीडियो के हेल्प से फिर कर लेना, और इसके फर्दर पॉइंट्स आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इतना ही किया जा सके, अगर आप करते हैं तो इसके आगे भी कर सकते हैं. ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय. बाय बेटा.